नीट एंड क्लीन घर किसे नहीं पसंद। हम सभी चाहते हैं हमारा घर हमेशा चमकता रहे, साफ सुथरा लगे। और क्लीनिंग का काम कई बार इतना बोरिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है कि हम इसे टालते रहते हैं। सोचते हैं वीकेंड आएगा तो घर की क्लीनिंग करेंगे, या फिर कोई फेस्टिवल्स आएंगे तो घर की डीप क्लीनिंग होगी। आज के वीडियो में फ्रेंड्स कुछ ऐसे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी क्लीनिंग के काम को तो ईजी बनाएगा ही, साथ ही आपके ढेरों पैसे भी बचाएगा। आप सोचेंगे पैसे कैसे, आगे वीडियो में फ्रेंड्स आपको पता चलेगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वन मंथ के लिए हम लोग गए हुए थे बाहर फ्रेंड, और आने के बाद घर की हालत आप देख सकते हो, हर जगह जाले और डस्ट है। तो जब भी हम बाहर से आते हैं तो यही हाल हो जाता है घर का, और मुझे हमेशा आने के बाद क्लीनिंग करना ही पड़ता है। सो फिलहाल मैं कैसे क्लीन करती हूँ ईजीली, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग इस तरीके के रूफ डस्टर का ही यूज़ करते हैं सीलिंग की क्लीनिंग के लिए, सीलिंग से जाला निकालने के लिए। आई एम श्योर हम सभी के घर में ये होगा ही, जाला निकालने के लिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। बट मैं इसका यूज़ अभी बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि इसकी जगह मैंने लिया है एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। सो वो मल्टीपर्पज़ है फ्रेंड्स, अगर ये आप ख़रीदते हैं तो इससे सिर्फ आप जाला ही साफ कर सकते हैं, और किसी यूज़ में आप इसे नहीं ले सकते हैं। सो इसकी जगह आप परचेस कर सकते हैं इस तरीके के झाड़ू। ये है गाला का झाड़ू है, देखिए एक तो नॉर्मल वाला मेरे पास है इस तरीके का, और ये एक दूसरा है मेरे पास जो कि एक्सटर्नेबल है, ये इस तरीके से खुल के बड़ा हो जाता है, देखिए। सो इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा झाड़ू है। तो देखिए नॉर्मली आप जैसे झाड़ू करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, साथ में इससे सीलिंग भी क्लीन हो जाता है आपका, जाले अगर हैं आपके तो। तो कई बार झाड़ू लगाते लगाते भी मैं ऊपर से इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही आप इससे वॉल को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके के झाड़ू से मेरा काम काफ़ी इजी हो गया है, मुझे अलग से जालों को निकालने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है। जब भी मैं झाड़ू करती हूँ ऊपर से इस तरीके से घुमा देती हूँ एक बार, और इसी से आप फैन को भी क्लीन कर सकते हैं। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा होने की वजह से आप ऊपर की क्लीनिंग भी इससे ईजिली कर सकते हैं। सोफ़े के नीचे भी ये ईजिली चला जाता है, अगर आपका ब्रॉड सोफ़ा है जिसके नीचे आपका छोटा मोट झाड़ू नहीं जाता है उसके नीचे भी ये इजीली चला जाता है, देखिए। और या फिर आपका अगर बेड है, बेड के नीचे से भी आप इससे गंदा निकालना चाहें तो वहाँ पे भी इजीली आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ झाड़ू है फ्रेंड्स, इस पर आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, साथ ही आप इसको धो भी सकते हैं, ये क्लीन भी हो जाता है ईजिली। इसके जो ब्रिसल्स हैं प्लास्टिक के हैं तो इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है क्लीनिंग के लिए। इस तरीके के वाइपर भी हम सभी के घरों में होते ही हैं फ्रेंड्स। तो इस वाइपर में आप पुरानी टी शर्ट या फिर इस तरीके का जो मेरे पास हाफ पैंट है, ये भी टी शर्ट के कपड़ा होता है उस तरीके का ही कपड़ा है ये भी, तो उसको आप पहना दें इस तरीके से। और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लचर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर डोरी से बांध लें इसे, और इससे भी काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। जो भी लॉफ्ट्स वगैरह होते हैं हमारे घरों में, जो कि ऊपर का एरिया होता है इस तरीके से, उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी ईजी रहते हैं। इससे कैबिनेट्स के डोर्स काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाती है, देखिए। आप चाहें तो गीला करके भी इसे क्लीन कर सकते हैं, मैं वैसे इसे फ्लैट मोप से ही क्लीन करती हूँ। ये फ्लैट मोप है मेरे पास, अगर आपके पास भी ये है और नहीं है तो आप इसे परचेस करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड। इससे भी काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है, बट जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं वाइपर वाला आइडिया दे रही हूँ। वाइपर में भी आप टी शर्ट पीस या पहना के इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, आप चाहें तो गीला करके भी क्लीन कर सकते हैं या फिर ड्राई भी क्लीन कर सकते हैं। टी शर्ट को पलट पलट के आपको इसी तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारा डस्ट इससे निकल जाता है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितना सारा डस्ट इसमें निकला है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये है स्कॉच ब्राइट का स्पॉन्ज, ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको तो आपको ज़रूर आपके घर में होना ही चाहिए। इससे क्लीनिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, कहीं भी थोड़ा भी डस्ट हो उसको अच्छे से ये सक कर लेता है पूरा, ये अच्छे से देखिए पूरा इसमें चिपक जाता है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलता है, और काफ़ी सारे तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं इसको यूज़ करने के, कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। किचन काउंटर टॉप तो आपने देखा है, इससे क्लीन इजीली हो ही जाता है, साथ ही आप अपने किचन के जो भी ड्रॉर्स हैं, बाहर का एरिया है, कैबिनेट्स के डोर हैं, सब इससे क्लीन कर सकते हैं इजीली। मैं ऑलमोस्ट पूरा किचन इससे क्लीन कर लेती हूँ, और फिर गर्म पानी में इसे डुबा के अच्छे से डिश वॉशर की मदद से इसे धो लेती हूँ, और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और ये एक वाइप काफ़ी टाइम तक आपका चलता है फ्रेंड्स, 2-3 मंथ्स तक इजीली ये चलता है, ख़राब नहीं होता है। यूज़ करने के ऊपर है, अगर आप ज़्यादा हार्डली यूज़ करते हैं तो 1 मंथ एटलीस्ट चलता ही चलता है ये, और अब मेरा तो 2 से 3 मंथ तक इजीली चल जाता है स्पॉन्ज एक पीस। तो ये प्रोडक्ट भी आप ज़रूर खरीदें, इससे आप ऑलमोस्ट किचन की सब चीज़ें इससे क्लीन कर सकते हैं।
सो इससे मैं कैबिनेट्स भी पोछ लेती हूँ, किचन का अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर लेती हूँ, कई जो मेरे घर में प्लांट्स रखे हैं उसको भी इनसे ही वाइप कर देती हूँ। बहुत ही इजी होता है काम हमारा, और कहीं भी इसकी गंदगी आसपास में फैलती नहीं है, अच्छे से इसी में चिपक जाती है स्पॉन्ज में। तो आप ज़रूर खरीदें फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हमारे घरों में नेट लगा रहता है, विंडोज़ में कई बार रहता है, कई लोगों के डोर में लगा रहता है ये, तो इसमें ना छोटे छोटे देखेंगे आप पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। ये मेरे यहाँ पर भी जो पक्षी उड़ते रहते हैं बर्ड्स के, वो सब पंख लगे हुए हैं इसमें, तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट आज जो आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आप इजीली इसे क्लीन कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए चाहिए फ्रेंड्स एक ब्रश, जो हमारा नॉर्मल ब्रश आता है इस तरीके का, देखिए कपड़े धोने वाला ब्रश आप यहाँ पर ले लें, या फिर शू पॉलिश वाला जो ब्रश आता है ना वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, आपको जो ठीक लगे फ्रेंड्स आप वो वाला ट्राई करिएगा। तो पहला आइडिया ब्रश को लेके ही है, ब्रश से आप इस तरीके से इसको रब करते रहें और सारा के सारा जो भी डस्ट है आपका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो डस्ट उड़ते हुए, तो 1 मंथ बाद इसकी क्लीनिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हो कितना सारा डस्ट इसमें से निकल रहा है। और मैं चाह रही थी कर्टन्स को मैं साइड में कर दूँ, बट वो फिक्स थे उस साइड नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से कर्टन में भी काफ़ी डस्ट लग जा रहा था। हाँ, बट बाद में उसको भी मैं जो वॉश कराना पड़ेगा। तो आप ट्राई करिएगा जब भी आप इस तरीके का नेट की क्लीनिंग करें तो आसपास की चीज़ें को हटा दें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। बट जो भी चीज़ें पॉसिबल थी वो मैंने हटा दी थी वहाँ से, और अब कर्टन्स में हटा नहीं सकती थी, वो फिक्स थे वहाँ पे, सो इसीलिए वो साइड में ही लगे हुए हैं। और देख सकते हो आप कितना ज़्यादा डस्ट इसमें से निकला है। तो दूसरा आइडिया है इस तरीके का, जो वाइपर होता है हमारे किचन क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं छोटा वाला जो है, तो उसको आप इस तरीके से कोई भी एक गंदा कपड़ा लगा दें। आप चाहें तो इसे इस तरीके से डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं कपड़े से ही, या फिर इस तरीके से वाइपर से भी आप एक बार इसको कर देंगे तो अच्छे से एकदम क्लीन हो जाएगी आपकी विंडो। इसी तरीके से आप अपने ग्लास को भी क्लीन कर सकते हैं कपड़ा लगा के इस तरीके से। आप पहले कोलिन डाल दें ग्लास पे और इसी तरीके से वाइपर पे कपड़ा लपेट के उसको वाइप कर दें। तो ग्लास फ़िलहाल मैं क्लीन नहीं करने वाली थी इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, बट ग्लास पे भी आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जितना भी डस्ट था उसको मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़ैन को क्लीन करने के लिए। फ़ैन को क्लीन करने हम जाते हैं, उसका पूरा डस्ट नीचे हम गिरा देते हैं और हम अपना काम बढ़ा लेते हैं। सो इस ट्रिक को आप ट्राई करिएगा। तो मैंने यही हाफ पैंट ले लिया जो मैंने पहले लगा के उसको क्लीन किया था, तो उसका डस्ट मैंने बाहर पूरा निकाल के वापस से मैं इसको लेके आ गई फ़ैन को क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसे पहना देंगे, देखिए फ़ैन को, और इस तरीके से इसको पोंछ लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी गंदा गिरेगा ना इसी के अंदर गिरेगा, बाहर नहीं गिरेगा बिल्कुल भी। तो कई बार बेड पर फैन लगा रहता है, ऐसी जगह पर लगा रहता है जहाँ हमें लगता है नीचे डस्ट गिरेगा तो गंदा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। तो एक बार आपने वैसे क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपने लेना है एक साफ़ वाला कपड़ा और उसके बाद कोलिन लगा के आपने वापस से एक बार वाइप कर देना है, तो आपका फ़ैन एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा बिना कहीं डस्ट गिरे हुए। तो आपका घर भी गंदा नहीं होगा और फ़ैन भी इजीली क्लीन हो जाएगा। लास्ट में क्लीनिंग को लेके दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। एक तो फ़ैन क्लीन करते टाइम आपने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, गीले कपड़े से आपने फ़ैन को बिल्कुल नहीं पोंछना है, उससे फ़ैन की कोटिंग निकल जाती है, थोड़े टाइम बाद फ़ैन पुराने लगने लगते हैं। सेकंड, क्लीनिंग कभी भी ऊपर से शुरू करें और नीचे नीचे की तरफ आते जाएं, ऐसा नहीं करें कि आप जैसे नीचे पहले क्लीन कर लें फिर ऊपर क्लीन करें तो ऊपर का डस्ट पूरा नीचे ही गिरेगा और आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। तो इन दो बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें क्लीनिंग करते टाइम फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे बहुत सारे क्लीनिंग के हैक्स आने वाले हैं, आपको पसंद आएंगे। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना ध्यान रखें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।